क्या आप जानते हैं कि सर्दी और गर्मी का धरती और सूरज के बीच के डिस्टेंस से कोरिलेशन नहीं है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि धरती और सूरज के बीच की जो दूरी है, क्या उसका सर्दी और गर्मी से कोई रिलेशन है। देखिए, हमें बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि सर्दी और जो गर्मी होती है वो एक्चुअली में सन और अर्थ के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, कि अगर धरती सन के पास है तो गर्मियां आ जाती हैं और धरती सन से दूर है तो सर्दियां आ जाती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सन और अर्थ की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, और वो चेंज इतना मेजर नहीं होता कि उसके अकॉर्डिंग सर्दियां या गर्मियां आए। सर्दियां या गर्मियां यानी सीजन आने का मेन रीजन डिस्टेंस नहीं है, यहां मेन रीजन है अर्थ का टिल्ट होना। जो अर्थ है वो अपनी नॉर्मल एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं होती, यानी उसकी जो एक्सिस है वो एक्चुअली में थोड़ी सी टिल्टेड रहती है, और उसी टिल्ट के कारण ही हमारे दिन बड़े और छोटे होते हैं और साथ साथ सर्दियां और गर्मियां आती हैं। तो आइए उसी को समझते हैं कि कैसे अर्थ की टिल्टिंग के कारण सर्दियां या गर्मियां आती हैं इन हेमिस्फेयर्स। तो अगर हम बात करते हैं, लेट्स से अगर मैं सन ले लूं, तो इस सन के अबाउट हमें पता है कि जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है, लेकिन अर्थ जो चक्कर लगा रही है वो एक्चुअली में एक ऑर्बिट पे लगाती है और टिल्टेड रहती है। तो अगर हम अर्थ को देखें, अगर अर्थ अपनी नॉर्मल एक्सिस इसके अबाउट रोटेट होती, अगर अर्थ अपने नॉर्मल एक्सिस वर्टिकल के अबाउट रोटेट होती तो यहां पर सर्दी या गर्मी में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग सेम होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेजर कारण है अर्थ की एक्सिस का टिल्टेड होना, मतलब जो अर्थ है वो एक्चुअली में इस तरीके से टिल्टेड रहती है, अर्थ की एक्सिस इस तरीके से टिल्टेड रहती है, जब वो यहां पहुंचती है तो अर्थ की एक्सिस ऐसी रहती है। तो उस कारण से हुआ क्या, उस कारण से हुआ ये, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो इस केस में हमें सर्दी देखने को मिलेगी, विंटर सीजन यहां पर आएगा, विंटर सीजन, और यहां पर आएगा समर यानी गर्मियां। अगर हम इसको समझें तो सर्दियां या गर्मियां क्यों आई इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, विंटर सीजन में क्या है, जो अर्थ की एक्सिस है वो सन से दूर की तरफ इंक्लाइन होती है, जिस कारण से क्या होता है, जिस कारण से सन की रेज हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती। आप कभी ये ऑब्जर्व करिएगा कि गर्मियों में आप देखेंगे तो जो सन है वो जनरली हमारे हेड के ऊपर रहता है और उसका जो मोशन होता है ओवरहेड होता है जनरली, और सर्दियों में सन का मोशन आप देखना कभी भी ओवरहेड नहीं होता, सन हमसे थोड़ा सा एंगल पे टिल्टेड होता है और सन एक एंगल पर मूव करता है। गर्मियों में सन ऊपर ओवरहेड होता है, लेकिन सर्दियों में सन एक टेढ़े एंगल पर मूव करता है, वो ये कारण है कि एक्चुअली में विंटर्स में अगर बात करें और हम यहां पर खड़े हैं तो सन की जो रेज है वो एक्चुअली में डायरेक्ट वर्टिकल नहीं आती, वो एक एंगल पर आती है, सन की रेज जो है वो हम तक एक एंगल पर पहुंचती है, और अगर हम तक एक एंगल पर पहुंचती है तो हमें सन जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइन दिखता है, और सन की रेज क्योंकि डायरेक्टली नहीं पहुंचती तो हमें गर्मियां फील नहीं होती, मतलब यहां पर सन की रेज हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती इसलिए हमें फील होती है सर्दी। वहीं अगर मैं समर की बात करूं, देखो यहां पर अब सन की रेज डायरेक्टली पहुंच पा रही है, सन की रेज अगर डायरेक्टली ओवरहेड भी आ रही है सो यही कारण है कि हमें यहां गर्मियां देखने को मिलेगी, यानी यहां समर सीजन होगा और सन की रेज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होंगी, साउदर्न हेमिस्फीयर से दूर होंगी, साउदर्न हेमिस्फीयर से दूर होंगी। यहां पर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दूर है और साउदर्न हेमिस्फीयर के डायरेक्ट है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां देखने को मिलेगी और यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां, और यहां पर नॉर्दर्न में गर्मियां और साउदर्न में सर्दियां, तो ये कारण है विंटर और समर आने का, बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ अर्थ। अगर अर्थ सीधा होती है, डायरेक्ट टिल्टेड नहीं होती तो हमें सर्दियां गर्मियां देखने को नहीं मिलती। यहां पर सन एक एंगल पर इंक्लाइंड आपको दिखेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं नॉर्मली, तो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो यहां पर हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर देखने को मिलेगा और यहां पर हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
समर देखने को मिलेगा। यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पास में है, इसीलिए हमें डायरेक्ट सन की रेज आएंगी, ओवरहेड आएंगी। यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक एंगल पर है तो डायरेक्ट रेज नहीं आएंगे, एक एंगल पर रेज आएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहां पर दिन बड़े होंगे। दिन बड़े क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर इसको चक्कर काट के आने जल्दी आसान पड़ेगा, यहां पर इसका चक्कर काट कर आना थोड़ा बड़ा है, इस कारण से सर्दियां ज्यादा लगेगी क्योंकि दिन छोटे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द समर एंड विंटर, कि समर और विंटर का डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, सन और अर्थ की दूरी से कोई रिलेशन नहीं है, जो कि हमारा मिसकंसेप्शन रहता है। मेजर पोर्शन क्या है? अर्थ का टिल्ट होना। तो अर्थ अगर टिल्टेड है तो सन की रेज एक एंगल पे आएंगी, अगर यहां की बात करूं तो सन की रेज डायरेक्ट हमारे सर पर गिरेगी। ठीक है भैया, तो ये मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग से बाहर निकाल लें, और आई होप ये ज्ञान आपके लिए बहुत काम आएगा और आपको ये सुनकर बहुत ही अचंभा हुआ होगा। ठीक, तो इसी वीडियो के साथ हम आगे मिलते रहेंगे एक नए और फटाफट ज्ञान के साथ। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।